हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल गॉड गेमर्स इन्फो में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाने वाले आप लोग कैसे M1887 या M1014 से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, वो भी हम हैंडकैम के साथ आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो एट फर्स्ट सेट योर एम पोजिशन, इसका मतलब आपका जो एम पोजिशन या रेड ऑट जिसको कहता है वो आप कहाँ पे रखोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना जो एम या रेड डॉट कहते हैं जिसको, इस रेड डॉट को एनिमी के नीचे ले जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एनिमी के नीचे ले गया। ऐसे आप एनिमी के नीचे ले जाओगे तो आपका ड्रैग जो करोगे वो आसानी से शॉट लग जाएगा। ओके, इसके बाद यूज लेफ्ट फायर एनालॉग फॉर मूवमेंट, इसका मतलब है आप लोगों को जब फायर करना होगा उससे पहले आपका जो लेफ्ट एनालॉग है स्क्रीन में देखो, आपका जो ये लेफ्ट एनालॉग है थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। ऐसे करने पे आपको हेडशॉट मारने में आसानी होगी। नंबर टिप्स ये है कि एट फर्स्ट राइट फायर बटन ड्रैग डाउन देन ड्रैग अप, और उसके बाद आप कैसे ड्रैग करोगे, सबसे पहले आप नीचे ले जाओ उसके बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करो, जिससे आपका एम जो है वो सीधा सिर के ऊपर जाएगा। ओके, सो नीचे की तरफ ड्रैग करके ऊपर की तरफ ड्रैग करो। ओके, तो हमारा थर्ड नंबर टिप ये है कि यूज क्विक वेपन स्विच बटन। तो आप लोगों को क्विक वेपन स्विच बटन को यूज करना होगा, जिसके सहायता से आप एक गन से और एक गन स्विच कर सकते हो, या एक गन से मिली वेपन पे स्विच कर सकते हो हेडशॉट मारने के बाद। आप लोग देखो मैं कैसे क्विक वेपन स्विच करता हूँ, पहले मारो फिर से क्विक वेपन स्विच को दबाओ, फिर मारो फिर क्विक वेपन स्विच को दबाओ। इसके बाद एक छोटा सा मॉन्टेज है, आप लोग देखो और इंजॉय करो। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. I don't like the person within, no, I know I'm
मुन्ना, ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है क्लिक कर देना, नहीं तो ये 2.5 किलो का हाथ तेरे ऊपर जब गिरेगा तो गिर के रह जाएगा, उठ नहीं पाएगा। सायोनारा।